गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ शाइनी. विंटर सीजन आ रहा है एंड विंटर्स में जो हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है ड्राई एंड फ्लेकी स्किन की. एज यू ऑल नो, मैं कुछ महीनों से वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करती हूँ और इसीलिए मैंने सोचा कि वाओ स्किन साइंस के जो बॉडी बटर्स हैं उनको मैं ट्राई आउट करती हूँ और आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर कर पाऊंगी. सो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है. वीडियो को पूरा देखिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं हमेशा वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स को उनके ऐप से जाकर परचेज करती हूँ. सो आप अगर उनके ऐप से परचेज करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोडिंग जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है. आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल कीजिए एंड ऐप से परचेज करना बहुत ही ज्यादा इजी एंड हैसल फ्री मुझे फील होता है क्योंकि अलग अलग से कैटेगरीज है ऐप में, जैसे स्किन केयर, हेयर केयर, कॉम्बो किट्स. तो प्रोडक्ट सिलेक्शन बिकम्स इजियर एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि ऐप पर आपको स्पेशल डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलेंगे. तो व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू देयर ऐप मैंने देखा कि बहुत सारे वेरिएंट्स हैं उनकी बॉडी बटर्स के. तो आई वाज लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारे वेरिएंट्स को चूज करूं, लेकिन मुझे लगा कि चलो लेट्स ट्राई 3 वेरिएंट्स क्योंकि मुझे अच्छा डील भी मिल रहा था ऐप से परचेज करने पर. सो आई वेंट फॉर देयर ऑलिव बॉडी बटर, नरगिस बॉडी बटर एंड मैंगो बॉडी बटर. विंटर सीजन में कुछ मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग मुझे चाहिए था. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई आउट कि तीनों वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है एंड एक्चुअली में क्या डिफरेंस है या नहीं, या फिर कुछ मॉइस्चराइजिंग में डिफरेंस है, हाइड्रेशन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेस्ट ऑल दिस थिंग्स. एंड सबसे पहले मैंने मैंगो बॉडी बटर ट्राई किया एंड आई वॉज जस्ट इन लव विद द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस बॉडी बटर. इसका फ्रेग्रेंस एकदम प्योर मैंगो जैसा फ्रेग्रेंस है. मैंगो एक्सट्रैक्ट के साथ साथ इसमें शिया बटर, स्वीट आमंड ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है जो बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है. और आप लोग इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी देख सकते हैं, इसके अंदर सारे ही नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं. एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सारे हमारे स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, डल स्किन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है. टेक्स्चर काफ़ी थिक है लेकिन ये स्किन में बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है. बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग है. जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये ऑयली फिनिश नहीं देता, बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स में स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है इंस्टेंटली. बट वो जो ऑयलीनेस होता है वो नहीं छोड़ता, जो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बॉडी बटर्स जनरली बहुत ही ज्यादा यू नो ऑयली एंड चिपचिपा सा होता है. बट दिस वन वॉज नॉट एट ऑल लाइक दैट. देन आई ट्राइड देयर ऑलिव बॉडी बटर. नाउ ऑलिव बॉडी बटर मुझे लगा था इसका फ्रेग्रेंस कैसा होगा यू नो, बट इसका फ्रेग्रेंस काफी माइल्ड है और एक अलग सा फ्रेग्रेंस है जो कि अच्छा फ्रेग्रेंस है एंड बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है. तो इट वोंट बॉदर यू एट ऑल. और ये भी काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है, येट नॉन ऑयली फिनिश देता है टोटली. सो इफ योर स्किन इज बिट ऑयली फिर भी आप इन बॉडी बटर्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. ऑलिव बॉडी बटर में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, शिया बटर, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. इसका जो फ्रेग्रेंस है वो सबसे अच्छा लगता है मुझे क्योंकि बहुत ही माइल्ड लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग सा और सूदिंग सा एक फ्रेग्रेंस है. आप लोग देख सकते हैं इतना बटरी सॉफ्ट है और स्किन को कितने अच्छे से ये हाइड्रेट करता है. सी द डिफरेंस, मेरी स्किन पहले कितनी ज्यादा डल लग रही थी लेकिन अब ये हेल्दी लुकिंग हो गई है, मॉइस्चराइज्ड है अच्छे से एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील होता है. यू कैन सी द सॉफ्टनेस इन माय स्किन. नेक्स्ट आई वेंट फॉर द नरगिस बॉडी बटर. नाउ नरगिस बॉडी बटर को ट्राई करने का मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि नरगिस जो फ्लावर है उसका फ्रेग्रेंस काफी अच्छा होता है. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रेग्रेंस ऑन द बॉडी बटर. तो डेफिनेटली मुझे वैसा ही फ्रेग्रेंस मिला और बहुत खूबसूरत इसका फ्रेग्रेंस है. सो अगर आप फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस चाहते हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस नरगिस बॉडी बटर. और अगर आप बहुत ज्यादा यू नो फ्रेग्रेंस नहीं चाहते, आपको इरिटेटिंग होती है फ्रेग्रेंस से, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑलिव बॉडी बटर.
वेरियंट्स अलग है, फ्रेग्रेंसेस अलग है, लेकिन जो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन विच इज मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग योर स्किन, वो तीनों वेरियंट्स में मुझे दिखा है. एंड ऑल द थ्री वेरियंट्स आर नॉन ऑयली, मतलब नॉन ऑयली फिनिश देता है. एंड आप सबको तो पता ही है कि वाओ स्किन साइंस इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस फैक्ट कि वो अपने प्रोडक्ट्स में कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स इस्तेमाल ना करे, जैसे पैराबन, मिनरल ऑयल, सिलिकॉन, सल्फेट. एंड उनके प्रोडक्ट्स प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से होते हैं. एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर सोर्स्ड फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. एंड जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है वो हिमालयन स्ट्रीम्स से इस्तेमाल किया जाता है. एंड प्रोडक्ट्स आर प्राउडली मेड इन इंडिया. इनफैक्ट उनकी जो वर्क फोर्स है उनमें से 80% ऑफ देम आर वुमेन. प्रोडक्ट्स क्रुएल्टी फ्री है, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल डिराइव्ड नहीं होते हैं और पैकेजिंग भी इको फ्रेंडली है. सो इतने सारे गुड रीजंस है वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने का. ऑल्सो एक इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया लेकिन क्या ये जेन्युइन है. तो प्रोडक्ट के ऊपर, वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको ये येलो कलर का स्टिकर दिखेगा, दैट्स एक्चुअली क्यूआर कोड. तो आप किसी भी QR स्कैनर से इसे स्कैन कर सकते हैं. एंड स्कैन करने पर आपको प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी खुद पता चलेगी. इनफैक्ट ऑन एवरी स्कैन यू कैन गेट पॉइंट्स टू रिडीम ऑन योर नेक्स्ट परचेज. सो जितने भी बॉडी बटर्स हैं आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना. मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक्स प्रोवाइड किया है. ऑल्सो इन बॉडी बटर्स को मेन, वुमेन, टीनेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये बॉडी बटर्स आप 2 times दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं. 1 आफ्टर शावर, शावर लेने के बाद जब आप बॉडी बटर्स इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन उस टाइम बहुत ही ज्यादा यू नो अब्सॉर्बिंग होता है, तो उस टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट आप रात को सोने से पहले नाइट टाइम में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. So guys, that's it for today's video. I hope this video was helpful for you all. और भी products के reviews मैं आप लोगों के साथ definitely share करूंगी. So मेरे channel को subscribe कीजिए, bell button को hit कीजिए and video पसंद आए तो video को like, share कीजिए. आज के लिए इतना ही. Stay blessed, stay happy. Bye.